हमारे भिवंडी शहर के समाजवादी के आमदार रईस सिंह, इन्होंने साइजिंग के बारे में जो एक मुद्दा उठाया था प्रदूषण के बारे में और भिवंडी शहर से साइजिंग बाहर जाना चाहिए करके, और फिर उसके बाद में 10-15 दिन के बाद भिवंडी शहर की साइजिंग बंद की गई। विषय था कि भिवंडी शहर में उनको डीजल पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो आने वाला कच्चा माल है साइजिंग में, उसका दाम बढ़ने की वजह से उन्होंने साइजिंग 6 तारीख से बंद रखी। उनका डिमांड था 5 तारीख का, लेकिन इस साइजिंग के जो आश्वासन है ये समाजवादी के हमारे अजय लाला ये है, और 10 दिन पहला जो साइजिंग भिवंडी शहर से बाहर जाना चाहिए प्रदूषण हो रहे करके ये मुद्दा था, फिर 10 दिन के बाद फिर साइजिंग पूरी बंद की जाती है और उसमें भाव का मुद्दा रखा जाता है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स का उसमें खुशबू आ रहे। हम भिवंडी शहर के जो साइजिंग मालिक है इनको कहना चाहते हैं कि आप भिवंडी शहर के पावरलूम जो अभी कोरोना के बाद कहीं ना कहीं उभर रहे थे, और जब चालू होने का जब टाइम आ गया तो उस टाइम में साइजिंग के जो मालिक थे उन्होंने 5 रुपये के डिमांड से जो भाव बढ़ाने का बात किया, और आज 6 तारीख से अभी तक बंद है। हम व्यूअर लोगों से, कुछ व्यूअर लोग जो है उनसे बात किया, वो उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है ये लॉकडाउन में, बहुत से दिन पावर लूम बंद थे, उनके भी लूम बंद होने की वजह से उनकी जो मशीनरी थी वो जंग लगने से ख़राब हुई थी, और उसमें ही इन लोग सर्विसिंग करना चालू हुआ था, और उसमें चालू होते होते ये जो इन्होंने मुद्दा लाया ये साइजिंग बंद करने का, तो इससे पावर लूम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इससे कामगार लोग आज 6 तारीख से जो लूम बंद होने की वजह से आज रोड पे घूम रहे, उनको पहला ही रोजी रोटी नहीं था, और उसके बाद में इस मुद्दे उठाए गए। मैं जो व्यूअर लोग जो है वो हमारे पास आने के बाद वो सेटलमेंट करने के लिए बातचीत चालू है, क्या वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर ये साइजिंग चालू होना चाहिए। इसके लिए मैं आज पत्रकार परिषद बुलाकर मैं जितने साइजिंग के मालिक है उनको एक आश्वासित करना चाहता हूँ, क्या आप सेटलमेंट करके 3 रुपया भाव 2.5 से 3 रुपया बढ़ाकर उनसे लेकर आज आप लोग साइजिंग चालू करेंगे तो आने वाला जो वक्त रहेगा उसमें पावर लूम चालू होंगे, और भिवंडी शहर का जो पावर लूम बंद है, जो आवाज़ बंद हुई है पावर लूम की, वो चालू होकर यहाँ के मजदूर लोग साइजिंग मालिक को कहीं ना कहीं दुआ देंगे, और अगर शुक्रवार को ये साइजिंग शुक्रवार तक साइजिंग चालू नहीं हुई तो राष्ट्रवादी के माध्यम से हमारे ग्रुप जो हमारे सपोर्ट में जो साइजिंग मालिक है उनके माध्यम से ये साइजिंग चालू करेंगे, और व्यवहार को कहीं ना कहीं न्याय देने का पूरा कोशिश करेंगे। अभी जो रईस शेख ने मुद्दा उठाया था प्रदूषण का, ऐसे मुद्दे बहुत से हैं, साइजिंग के भी मुद्दे बहुत है, और जो साइजिंग मालिक है वो अगर कचरा जलाना बंद करेंगे, जो कचरा जलाकर जो जहाँ भिवंडी शहर में प्रदूषण फैल रहे इसके ऊपर जो साइजिंग एसोसिएशन है ये कार्रवाई करेंगे। आज जब आप एक हो गए साइजिंग बंद करने को, वैसा ही अगर जो प्रदूषण हो रहे उसके ऊपर ध्यान देकर 120 फीट का बॉयलर लगाकर उसमें डस्टर मशीन लगाकर अगर ये काम करेंगे तो 3-5 रुपया मांग रहे हम लोग इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भिवंडी शहर का प्रदूषण कम होना चाहिए। इस मुद्दे को हम लोग राष्ट्रवादी के माध्यम से पूरे भिवंडी शहर में लेकर जाएंगे, और जो व्यूअर है जो पावर लूम मालिक है उनको न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो साइजिंग वाले हैं उनकी भी डिमांड है कि 5 रुपया, मतलब वो भी तो अपनी जगह पे सही है कि अगर वो 5 दाम बढ़ गया है तो उनको भी तो उनकी मांग, उनका भी तो उनका हक मिलना चाहिए ना। सिर्फ साइजिंग वाले का ही ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि पावर लूम वाले का भी जो रॉ मटेरियल है उसका भी दाम बढ़ा है, जो पेट्रोल पे जो टेक्सराइज यान बनता है ये रोज़ अप एंड डाउन हो रहे,
आज 6 तारीख से जिसने यान खरीदा है जिस भाव से, क्योंकि रोज भाव बदली होते हैं, और इस भाव बदली होने से और ये बंद रहने से जो जिसने खरीदा है उनका नुकसान भी तो हो रहा है। तो सर आप ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके फेवर के साइजिंग वाले तो जो साइजिंग एसोसिएशन उसमें भी दो गुट है क्या? नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि आज जो पावर लूम है ये अगर चालू नहीं होएगा तो पावर लूम वाले आते हड़ताल करेंगे तो साइजिंग वाले कहाँ जाएंगे? इनका दोनों का एक एक जगह पर आकर काम करना है। दो अगर उन लोग भाव बढ़ा के मांगते हैं तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलना चाहिए। खाली हम लोग बेमुदत बंद रखेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसा नहीं। कहीं ना कहीं लूम वाले का भी सुनना चाहिए, उनका भी मिल स्टोर बढ़ा है, उनका यान का भाव बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हुआ है लॉकडाउन में। अगर पावर लूम बंद होते हैं तो साइजिंग कहाँ से चलेगी? जी, ओके, थैंक यू सर।